दिल्ली के सटे गाजियाबाद में दिल्ली की एक महिला के साथ हैवानियत का खेल खेला गया है। दिल्ली लौटने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही महिला को अगवा कर लिया गया था और दो दिन तक बंधक बनाकर पांच लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसको बोरे में बंद कर चौराहे पर फेंक दिया गया था। दरअसल दिल्ली की महिला के साथ हुई इस दरिंदगी के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नंदग्राम थाने का घेराव किया। साथ ही ये आरोप लगाया कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। उनका कहना है कि जिन आरोपियों ने महिला के साथ दरिंदगी की, वे लगातार महिला के भाई पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो विश्व हिंदू परिषद इतना सक्षम है कि फिर खुद अपने हिसाब से आरोपियों को सजा देगा। इतना गंभीर कांड हुआ है दिल्ली के घटना अभी तक लोग बाग भूले नहीं है। वही केस गाजियाबाद में दोहरा गया है। दोबारे बलात्कार करने के बाद बोरी में बांध के सड़क पे फेंक के चले गए। लड़की मौत से सुलझे, उसके भाई को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि तुम समझौता कर लो, फैसला कर लो। किसकी तरफ से समझाया जा रहा है? उनकी मुस्लिम तरफ से। अच्छा, आज रात मेरे पास 11 बजे उसका फोन आया लड़के का। मैंने चलो मैं कल बात करता हूँ भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, झूठ बोल रहा प्रशासन की। हमने चारों पकड़ लिए, जबकि कोई अभी दो ही पकड़े। घटना को 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं जी, ऐसे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ जी। पुलिस की कार्यवाही डालने पर क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी सुबह बात हुई प्रसाद के, हमने चारों गिरफ्तार कर लिए। मैं सर झूठ मत बोलो, उन्होंने 2 गिरफ्तार करे हैं। आईजी साहब भी आए हुए गाजियाबाद, इसी विषय में आईजी साहब मीटिंग चल रही है एसएसपी के। मैं जी हमें वो गिरफ्तार चाहिए 2 दिन, 1 दिन के अंदर। जब तुम पाताल से निकाल लाओगे उनके खानदान उठाओ ना, अगर हिंदू का कोई होता तो पूरा खानदान उठा लेते, वो भगे आते सारे। उनको खानदान उठाओ, रिश्तेदार उठाओ, उनको पता नहीं कौन है वो, सब प्रशासन को पता है। और हम बजरंग दल की तरफ से एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से मुलजिमों के सबके इन्होंने घर ध्वस्त करे हैं, इन चारों के भी घर ध्वस्त कर देने चाहिए। बिल्कुल भी इसमें देरी ना करी जाए, वरना फिर बजरंग दल इतनी ताकत रखता है कि इनको इसी की तरह, जैसे योगी जी कहते हैं कि उन्हें उसी भाषा में समझा दिया जाएगा, उन्हें भी हम फिर उसी भाषा में समझाने की ताकत बजरंग दल गाजियाबाद रखता है।